पुलिस आम आदमी को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए बनी है, लेकिन आज पुलिस के ढीलेपन और चुप रहने की वजह से मेरे दोस्त डेविड के बेटे की जान चली गई। जॉन की मौत के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, इंस्पेक्टर विजय और डीसीपी राठौड़। उन्हें आज क्या सस्पेंड कर दिया गया तो यह हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हम चाहते हैं एक इंक्वायरी बिठाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूं। ये न्यूज चैनल वालों को आपने क्या कह दिया? मैंने क्या किया है? आप मुझे सस्पेंड करवाने में क्यों तुले? स्टेशन में सैकड़ों और भी केसेस होते हैं, दिमाग फट जाता है टेंशन से। इस तरह के छोटे मोटे लफड़े रोज होते हैं, आप खुद बताइए एक पुलिस स्टेशन भला कहां कहां जा सकता है। मरने वाला आपके दोस्त का बेटा है, इसलिए आप मेरे सस्पेंशन के पीछे पड़े। जॉन की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैंने बोला था उसको लफड़े में पड़ने के लिए। बोलिए, जाकर उनसे पूछ, मुझे समझा के कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को समझा, इन लोगों को जिन्होंने अपना बेटा खोया है। जॉन की मौत का दोष मेरे सर क्यों मढ़ रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी तो बेचारे जॉन की जान चली गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने मार दिया उसे। हाँ, तूने ही उसे मारा है। रिश्वत लेके हाथ पर हाथ धरे बैठा था तू। तुझे पता चलते ही अगर तू बस्ती चला जाता तो जॉन आज जिंदा होता। पापा, जॉन को किसने? जॉन जिंदा होता कि नहीं? सिस्टम, आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह काम नहीं करता। मैं कोई डीसीपी या होम मिनिस्टर नहीं हूँ कि खुद ब खुद फैसला ले सकूं। आफ्टर ऑल आई एम इंस्पेक्टर, मुझे उनके ऑर्डर्स के हिसाब से चलना पड़ता है। भले ही फिर मैं, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी विद योर सिली आर्ग्यूमेंट्स। मैंने पहले भी कई बार तुझे वार्निंग दी थी, फिर भी तू नहीं बदला, और इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। देखो इनको जरा, इनका सहारा छिन गया इनसे। जॉन ने तो एक मकसद के लिए बलिदान दिया है। तेरी जगह अगर वो मेरा बेटा होता तो आज मुझे गर्व होता। आप अपने बेटे पर उंगली उठा रहे हैं, वो इन बाहर वालों के लिए। यू ब्लडी, पापा जी, आज के बाद दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ जी? हाँ, चले। नहीं सब, चल सब, मैंने नहीं किया, चल आगे, चल। सर, अमरप्रीत इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा है सर। रमेश की बाइक जहां से चोरी हुई वो इलाका इसका है। क्या बे, पुलिस की बाइक को चुराता है? माँ कसम साहब, अपुन ने नहीं चुराया, मेरा यकीन करो साहब। मूर्ति सर, जब तक ये बाइक नहीं देता इसकी धुलाई करो। ओके सर। सर 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 प्लीज सर, अपुन ने बाइक को छुआ तक नहीं है। सर ये काम जरूर उस कालू ने किया होगा, लास्ट टाइम भी उसकी हरकत की वजह से अपुन के छोकरे फंस गए थे साहब। सर ये काम उसी का ही है। किधर रहता है वो? बालानगर इलाके में श्री मेडिकल शॉप के पास में। चेक। ड्राइवर को ले गया? जी, बुला के लाता हूं। ए रुक, हाँ भाई। करीम, करीम जिंदा है या मर गया? कुछ पता नहीं भाई। तोहफे तैयार हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक चल रहा है? सब खैरियत। ये 6 C40 बम है, 4 ये हैं और 2 वहां तैयार हो रहे हैं। ऐसे 6 डिटोनेटर्स हैं जो इस बॉम्ब को कनेक्ट करेंगे।
ऐसे ट्रांसमीटर को एसी रिमोट में फिक्स कर दिया। बॉम्ब इस रिमोट से ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा स्विच? प्लान ए, 300 फीट की दूरी से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बटन प्रेस करना है। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी तैयार है। इसमें से एक बॉम्ब में प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिट कर दूंगा और ये दूसरा बटन प्रेस करने से। और प्लान सी? बूबी ट्रैप। ये चार बॉम्ब एक कॉल से ट्रिगर हो जाएंगे। ये डिटेक्ट ना हो उसके लिए तुम कुछ इस्तेमाल करने वाले थे ना? इससे कवर कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। पक्का? 100%। वो एक बड़ा लिक्विड बम है, 3 मिनट के बाद फट जाएगा। 2 टाइम बॉम्ब्स। ये सबसे आखिर में फटने चाहिए। इसका टाइम बराबर से सेट करना। 5 मिनट के गैप में फटेंगे। कालू का कुछ पता चला? सर हम पता लगा रहे हैं। सर मुझे मेरी बाइक तो मिल जाएगी ना, वो मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट की थी। राइट राइट ले लो। सर हम इस बाइक वाले के पीछे ऐसे क्यों जा रहे हैं? सर हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मर है। आगे देखकर चलाओ। तुम्हारी बाइक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, मिल गई तो पार्टी देनी पड़ेगी। बाइक कालू लेके गया था सर। उस बाइक का क्या किया तुम लोगों ने? उसकी नंबर प्लेट बदल डाली सर। हाँ? सर ये मेरी बाइक की नंबर प्लेट है सर, ये भी कालू लाया था सर। भीका मतलब? भीका मतलब इसके साथ सर। ए, चल बता, बोल। मतलब कालू बाइक के साथ मारुति वैन भी लेके आया था सर, और मैंने दोनों की नंबर प्लेट बदल दी थी। मूर्ति सर, वैन का पुराना नंबर और बदला हुआ नंबर दोनों लो। जी सर। सेम वैन सर, सेम नंबर। उस दिन मेरा भाई भी ड्यूटी पर था सर, ऑटो वैन से टकरा गई थी, वैन की पीछे की लाइट टूट गई थी। मैंने अपने भाई से कहा ड्राइवर को बुलाने के लिए, पर तब तक वो निकल चुका था। वैन में कौन कौन लोग थे? कोई नहीं था सर, बस ग्लिसरीन के डब्बे थे। ग्लिसरीन के डब्बे? हाँ सर। सर क्या विजय, मुझे भूल गया, तेरा काम हो गया इसलिए? ऐसी बात नहीं सर, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। इतनी छोटी सी बात के लिए खुद मिलना चाहता है? तू बता कहाँ है, मैं तुझे खुद थैंक्स करने के लिए आ जाता हूँ। मैं बंजारा हिल्स में हूँ सर। अरे मैं तो रेडिसन होटल में हूँ। आ जाओ। नहीं सर मैं आ जाता हूँ, फटाफट आ जा। मुझे यस सर गाड़ी रेडिसन लो। थैंक्स क्या बोलना, तू तो अपना आदमी है। बस मेरे बाकी पैसे लौटा दे, फिर तुझे लंच कराऊंगा। बिल्कुल लौटा दूंगा सर। जल्दी लौटा दे, हम सीधे लोग हैं, पर हमारी जरूरतें हमें मजबूर कर देती हैं। अरे सुनो भाई जरा धीरे बात करो प्लीज। मैं कुछ कहना चाहता था, क्या बात थी भूल गया। हाँ नमस्ते। ओके मिस्टर अब्बास, आई नीड द रूम कीज। हाँ बोलिए ना। अच्छा लेट मी चेक। ठीक है, आई एम सॉरी। समझ गया। सी यू। थैंक यू। देखो विजय, मेरे पैसे इस महीने की 16 तारीख तक लौटा देना। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सर। जितना टाइम लेना है ले लो, पर 16 तक लौटा देना। जानता हूं तुम काफी समझदार हो, मुझे नाराज नहीं करोगे। जाओ पैसों का जुगाड़ करो। अरे मेरी कॉफी कहाँ है? बोलो सर। कालू को किसी ने मार डाला सर, उसकी लाश मिली है। उसने 3 महीने का एडवांस दिया था, पर अब तक घर में नहीं घुसा। उसका नाम क्या है? शर्मा है सर। यह उसका नकली नाम है, उसने जो एड्रेस और फोन नंबर दिया है वो भी नकली है। अगर वो आए या दिखाई दे तो इन्फॉर्म करना। जो हुकुम सर। इसका नंबर ले लिया ना? ले लिया सर।
इसको जिसने एडवांस दिया था उसका नाम अब्बास है, मुझे रोज इसकी पूरी खबर चाहिए। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट सब मिलेगा। वो करीम, अब्बास, शर्मा, सीनू, बाइक और वैन मिसिंग। जैसे तुमने कहा था, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। वो प्लास्टिक सेट तुम्हारी कस्टडी में है ना? यस सर। करीम हमारे हाथ लग जाए तो आगे की कुछ लीड मिल जाएगी, तुम ट्राई करते रहो। किसी ने उस पर हमला किया सर, वो भाग गया, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या मर गया। पता लगाओ। इन्फॉर्मेशन मिली है कि शहर में 15 को टेरर अटैक होगा। हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और टेरर अटैक में कोई लिंक हो। शैंपेन सर? हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो विजय? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? आपने ही तो विजय को पार्टी के लिए बुलाया है। किस बात की पार्टी सर? इनका ट्रांसफर रुक गया है विजय, पर बात ऐसे छुपा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा सीक्रेट हो। कांग्रेट सर। तुम्हारी कीमत 20 थी तो मेरी 40। इसकी मानवली भी एमएलए रवि कर रहा होगा सर। मैंने मिनिस्टर से बात की, उन्होंने मना कर दिया। भगवान से बेहतर हमेशा पुजारी होता है। हाँ, एमएलए साहब कह रहे थे कि कल तुम उनसे मिले थे। उसका टॉर्चर तो दूसरी शादी करने से भी बदतर है। कौन है? वही जिसकी बात कर रहे थे रवि। कट करो, मूड खराब कर दिया। टेरर केस में मैं अपनी तरह से काम कर रहा हूं। तुम कुछ चक्कर चला के रवि को बाकी के पैसे दे दो। He can be brutal sometimes. यही तो बात है, जो नहीं जानता उसके लिए दिल्ली इतना बड़ा हुआ है, मेरे लिए छोटी सी एक सुई जैसा है। सर फोन है। किसका है? दिल्ली से शुक्ला जी का फोन है सर। दिल्ली वाले का खुद फोन आया है, यानी कुछ समझौता करना होगा। हेलो। 13 तारीख के प्रोग्राम का क्या हो रहा है सर? सीएम की कुर्सी फटेगी ना? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है। बाबा ठीक, यानी कि सब ठीक। वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। बचना या ना बचना हमारे हाथ में थोड़ी है। जैसा कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है, बस कर्म करते रहो। जीसस ने बाइबल में कहा था सब्र करना जरूरी है, तो जो होना है वो तो होगा ही। इधर मेरे पसीने छूट रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो गया हो, कुछ मीठा खा लो। हेलो। ओके सर, ओके, मैं वहां जा रहा हूं सर। पर अकेले जाना, संभाल के डील करना। अगर तुम माल ले आए तो एमएलए का मुंह हमेशा के लिए बंद समझो। ओके सर, थैंक यू।